हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं मटेरियल ऑल्टरेशन क्या है। ये आपका फोर्थ यूनिट के टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे एंड देखेंगे क्या है मटेरियल ऑल्टरेशन क्या है एंड इसके आगे के सारे टॉपिक इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, पहला क्वेश्चन जो आएगा सबसे पहले, व्हाट इज़ मटेरियल ऑल्टरेशन, ये आखिर है क्या भला, ठीक है। तो देखो, द टर्म मटेरियल ऑल्टरेशन इंडिकेट्स ऑल्टरेशन और चेंज इन द मटेरियल पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज विच ऑल्टर्स द वेरी नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दस इट इज द ऑल्टरेशन विच चेंजेस एंड डिस्ट्रॉयड द लीगल आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट एंड कॉजेज इट टू स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज इन लीगल इफेक्ट फ्रॉम दैट विच इट ओरिजिनली स्पोक। ओके, सिंपल सा मतलब अगर हम लोग सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो मटेरियल ऑल्टरेशन का मतलब यह है कि किसी भी जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था उसमें किसी भी तरह का ऑल्टरेशन करना, ठीक है, कोई भी चीज़ें चेंज करना विदाउट लीगली बीइंग एक्सेप्टेबल, ठीक है। जो चीज़ आप करें कि चेंज करने के लिए लीगली एक्सेप्टेड नहीं है, आप वो भी चीज़ चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और इस चेंज का रिजल्ट क्या हो सकता है, इस चेंज का रिजल्ट हो सकता है इट कैन डिस्ट्रॉय द इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और इट कैन चेंज द लीगल आइडेंटिटी, मतलब जो लीगल आइडेंटिटी थी उस इंस्ट्रूमेंट की वो चेंज हो जाएगी। और इससे क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था उसका जो मेन डेफिनेशन थी वही चेंज हो जाएगी, तो वो चीज़ वैलिड नहीं रहेगी एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके, एक एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, ध्यान देना, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। मान लो 10 रुपए की नोट थी, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 रुपए की नोट में कोई बच्चा था, उसने बेवकूफ़ी में 10 रुपए में जहाँ 10 लिखा रहता था उसको कलर कर डाला, बाकी और कुछ नहीं करा। तो क्या अब आपको ये लगता है कि 10 रुपए की नोट नॉर्मली चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी ना, क्योंकि जिसको भी आप देना चाहेंगे वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब उसकी लीगली जो आइडेंटिटी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई है, लीगली जो वैल्यू थी वो डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक। इससे क्या होगा, मटेरियल ऑल्टरेशन से क्या होता है, किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की लीगल आइडेंटिटी, लीगल वैल्यू जो होती है वो डिस्ट्रॉय या चेंज करने की कोशिश करी जाती है, और जिसकी वजह से वो चीज़ ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। ओके, अब मटेरियल ऑल्टरेशन मेक्स द इंस्ट्रूमेंट वॉइड, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, नल एंड वॉइड सेम वही चीज़ है। मटेरियल ऑल्टरेशन क्या करता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वॉइड यानी कि बेकार बना देता है, ठीक है। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट अब बेकार हो गया, किसी मतलब का नहीं है, फर्जी है, ठीक। इन ऑपरेटिव यानी कि अब इसका ऑपरेशन में यूज़ नहीं, ऑपरेशन का मतलब सिर्फ कि एक्सचेंज में यूज़ नहीं करा जा सकता। मतलब जैसे नॉर्मली 10 रुपये किसी को दो तो वो एक्सेप्ट कर लेता है ना, तब वो पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है, बट अब अगर ये 10 रुपये जिसमें कलर था वो किसी को दो तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो अब इन ऑपरेटिव हो गया, यानी कि अब वो ऑपरेशन में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। एंड अफेक्ट्स द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट। जैसे नोट में लिखा रहता ना कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक, तो सेम चीज़ है कि अब अगर आप करेंगे देन इसकी वैल्यू गलत हो जाएगी, और अब इसका नेगोशिएबल पावर जो है वो हो जाएगी क्या, नेगोशिएबल पावर हो जाएगी ख़त्म, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ मटेरियल ऑल्टरेशन, अब आप बोलोगे सर ये मटेरियल ऑल्टरेशन का मतलब तो समझ में आ गया, बट क्या अगर मैं 10 रुपए की नोट में जैसे कुछ दिनों पहले लिखा था ना कि सोनम गुप्ता बेवफा है ना, अगर इस टाइप के कुछ मटेरियल लिख देता तो क्या ये भी ऑल्टरेशन का पार्ट होगा या नहीं होगा? या बैंक में अगर आप लोग जाते हैं तो वो लोग पेंसिल से ऊपर लिख देते हैं गड्डी में 100 नोट्स हैं एंड इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं ना वो लोग, तो क्या ये मटेरियल ऑल्टरेशन का पार्ट होगा? और अगर ये पार्ट होगा तो ये चीज़ें बैंक वाले क्यों करते हैं, ठीक। तो एक बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मटेरियल ऑल्टरेशन, मतलब मटेरियल ऑल्टरेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो देखो, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज साइलेंट ऑन द सब्जेक्ट एज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मटेरियल ऑल्टरेशन। कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया इन दिस रिगार्ड हैव फॉलोड द इंग्लिश कॉमन लॉ, जो इंग्लिश कॉमन लॉ है इंडियन कोर्ट्स ने उसको फॉलो करा, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इस बारे में कुछ खास स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहा है। जिस जो इंग्लिश कॉमन लॉ है उसका क्या, उसमें क्या कहा गया है, विच हेल्ड एनीथिंग दैट हैज इफेक्ट ऑफ ऑल्टरिंग द लीगल रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से दो पार्टीज हैं जैसे ए और बी है, और ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मान लो 100 का नोट है, 100 के नोट में कोई भी ऐसी एक्टिविटी
जिससे ए अगर बी को दे तो बी उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे और उनका ट्रांजैक्शन में इफेक्ट आए, ठीक है। तो ऐसी कोई भी हरकत जो है क्या कॉन्स्टिट्यूट होगी, ऐसी कोई भी हरकत कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी किसके, मटेरियल ऑल्ट्रेशन का, ठीक। ओके, द कैरेक्टर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और द सम पेबल अमाउंट टू द मटेरियल ऑल्ट्रेशन, ठीक। तो कोई भी ऐसी हरकत जिससे कि सम पेबल अमाउंट में चेंजेस आ जाए या मटेरियल ऑल्ट्रेशन में डिफरेंट आ जाए, ये सब किस में कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा किस में, आपके मटेरियल ऑल्ट्रेशन में। आई होप क्लियर हो गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला टॉपिक है व्हेन कैन अ बैंकर रिफ्यूज पेमेंट ऑफ चेक। एक बैंकर जो है वो पेमेंट, चेक का पेमेंट कब रिफ्यूज कर सकता है, वो कब रिफ्यूज कर सकता है कि वो जो आपकी चेक है उसका पेमेंट नहीं करे। कोई कंडीशन होगी कि ऐसे कर देगा, नहीं ना, कोई कंडीशन होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशन। डिसऑनर ऑफ द चेक बाई अ बैंकर, एक बैंकर कब चेक को डिसऑनर करेगा, इफ इट इज इन द फॉलोइंग केसेस बैंकर मस्ट रिफ्यूज टू ऑनर द कस्टमर चेक। जो आगे केसेस दिए गए हैं उन कंडीशन में बैंकर जो है आपकी चेक को डिसऑन कर सकता है, क्या कर सकता है, डिसऑन कर सकता है, ठीक। पहली कंडीशन क्या है, व्हेन द कस्टमर हिमसेल्फ हैज इशूड इंस्ट्रक्शन टू द बैंकर फ्रॉम स्टॉपिंग द पेमेंट ऑफ द चेक। जैसे नॉर्मली होता है ना कि हम बैंक को कभी कभी बोलते हैं कि इस चेक का पेमेंट स्टॉप कर दीजिए, जो मैंने चेक अलाउ कर दिया है। कई बार हो जाता है ना कि हमने चेक दी है और हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, हम बोल देते हैं स्टॉप कर दो। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि हमने बैंक चेक खो गई हमारी, तो हम क्या बोलते हैं, इस चेक का पेमेंट अपने आप स्टॉप कर दिए। तो अलग अलग कंडीशन में है, अगर जो इशूइंग पार्टी है वो खुद इंस्ट्रक्शन देती है बैंक को कि आप ये चेक रोक दीजिए तो बैंक चेक रोक देगी, ठीक। व्हेन द बैंकर रिसीव नोटिस ऑफ द कस्टमर्स डेट, जब बैंकर जो है उसको नोटिस मिली है किस चीज़ की, कि जो कस्टमर है जो इशू चेक कर रहा है उसकी मौत हो गई है। जब आदमी ही मर गया है तो बैंकर क्या करेगा, चेक नहीं इशू करेगा जब तक लीगल चीज़ें नहीं हो जाएंगी, ठीक। व्हेन द कस्टमर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, सिंपल इंसॉल्वेंट का मतलब है दिवालिया हो गया है। जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर कोई भी कस्टमर दिवालिया हो गया तब उसके चेक जो हैं सब क्या कर दिए जाएंगे, उसके सारे चेक जो हैं स्टॉप कर दिए जाएंगे, सारे चेक को रोक दिया जाएगा, ठीक। व्हेन द बैंकर रिसीव नोटिस ऑफ कस्टमर बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, जब जो बैंकर होता है उसको इस बात की नोटिस मिल चुकी है कि जो कस्टमर है जिस पर्सन ने ये चेक जारी करा है वो अनसाउंड माइंड हो गया है, मतलब पागल हो गया है, तब वो क्या करेगा, बैंकर जो है चेक को रोक देगा, ठीक। व्हेन देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर टू डू सो, अगर किसी कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि ये अकाउंट जो है सील कर दीजिए या इस अकाउंट से अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तब बैंकर क्या करेगा, तब बैंकर चेक का पेमेंट रोक देगा, ठीक। व्हेन होल्डर्स टाइटल इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, होल्डर्स टाइटल मतलब जो पर्सन ये चेक लेकर के आ रहा है, मान लो राम लेकर के आ रहा है एंड नाम डिफेक्टिव था, चेक में राम की जगह श्याम लिखा था, या जो पर्सन लेकर के आ रहा है उसके होल्डिंग में कि यही चेक का ओनर है कोई डिफेक्ट पाया जाए, तो बैंकर क्या कर सकता है, बैंकर चेक को रोक सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एंड दीज आर द केसेस जहाँ पे जो बैंकर है वो चेक को ऑनर करने से रिफ्यूज कर दे, मतलब चेक का पेमेंट करने से क्या कर दे, मना कर दे, ठीक है। क्या केसेस हैं, व्हेन द चेक इज पोस्ट डेटेड इफ बैंक मेक पेमेंट ऑफ सच चेक देन इट डज सो एट इट ओन रिस्क, मतलब क्या है, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है कि जैसे आज मान लो 15 मार्च है, सपोज कर लो आज 15 मार्च है और मैंने चेक दी 20 अप्रैल की, ठीक है, 20 अप्रैल तो अभी आया नहीं है और जो राम को चेक दी थी उसने क्या करा, चेक जा करके लगा दिया है, तो बैंक जो है ज़्यादातर केसेस में पेमेंट नहीं करेगी क्योंकि अभी 20 तारीख आई नहीं है। बट इनकेस अगर बैंक करना चाहे तो वो कब करेगी, वो अपने खुद के रिस्क पे करेगी, ठीक है, कोई और बैंक के अलावा कोई और जिम्मेदार नहीं होगा इस चीज़ का। अगला क्या है, व्हेन देयर आर नो सफिशियंट फंड इन द कस्टमर अकाउंट, जो कस्टमर का अकाउंट है उसमें सफिशियंट अमाउंट ही नहीं है, मतलब जितने का चेक काटा उतना पैसा ही नहीं है, तो कैसे बैंक देगी, नहीं देगी ना, ठीक, बैंक नहीं देगी। अगला कंडीशन क्या है, व्हेन द चेक इज नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड, मतलब जो चेक ठीक तरीके से नहीं प्रेजेंट करा गया, मतलब ठीक तरीके से नहीं प्रेजेंट करा गया, मतलब जहाँ पे चेक देनी थी वहाँ नहीं दिया, जिस पर्सन ने देनी थी उस पर्सन ने नहीं दिया, या अदर किसी कंडीशन की वजह से चेक ठीक से प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक क्या कर देगा, उसको डिसऑनर कर देगा पेमेंट करने से। व्हेन सम अदर इरेगुलरिटी इज सस्पेक्टेड, या फिर बैंक उन वाले जो हैं उसको कुछ लगा कि यार इस चेक में कुछ तो गड़बड़ है, या तो डेट हो गई, या साइन ठीक नहीं है, या कोई अगर रेगुलरिटी उन्होंने सस्पेक्ट करी, आई रिपीट सस्पेक्ट करी, जरूरी नहीं कि इरेगुलरिटी होनी चाहिए, उनको अगर लगा भी है तो भी वो कर सकते हैं, ठीक।
अगला पॉइंट देखते हैं, व्हेन द चेक इज नॉट प्रेजेंटेड विथ अ रीजनेबल टाइम और विथ इन द लिमिटेड पीरियड। देखो नॉर्मली चेक्स का एक टाइम पीरियड होता है, जैसे अगर मान लो चेक 15 तारीख को जारी करा गया है तो हो जाएगा 3 मंथ्स के विथिन में चेक को प्रेजेंट कर देना है कहाँ पे, बैंक में इन कैश कराने के लिए। बट अगर मान लो 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में चेक को नहीं दिया गया बैंक में, 3 मंथ्स के हम बाद आते हैं, तब क्या होगा, बैंक उस चेक को डिसऑनर कर देगा, पेमेंट करने से मना कर देगा कि भाई पेमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम 3 महीने बाद आए हो। ठीक, ये कंडीशन कहाँ है, ये अलग अलग कंडीशन अलग अलग केसेस में है। ठीक है, किस टाइप की चेक है, कौन सा बैंक है, ये अकॉर्डिंग टू देम भी है, बट एज अ जनरल रूल यही है। ठीक, अब देखो लाइबिलिटीज ऑफ बैंकर एंड डिसऑनर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो क्या होता है अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर करा गया, ठीक है, तो क्यों करा गया, क्या रीज़न थे और उसकी किस तरह की लाइबिलिटीज बैंकर पे बनेंगी। ठीक है, तो ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, जो आपका नेगोशिएबल टूल था उसको डिसऑनर कर दिया गया है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करा गया है, बैंक ने क्या करा गया, उसको एक्सेप्ट नहीं करा है कि मतलब हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, ये आपका किस में आता है, अंडर सेक्शन 91 आता है। देखो यहाँ पे देखो, डिसऑनर्स मीन द फेलियर टू ऑनर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसके वो ऑनर करने में फेलियर हो जाता है, इसका मतलब होता है डिसऑनर कर दिया गया। दिस मे बी बाई नॉन एक्सेप्टेंस, किस तरीके से हो सकता है, या तो वो चेक ही एक्सेप्ट नहीं करी गई, बाई नॉन एक्सेप्टेंस हो सकता है। वेन अ बिल ऑफ ऑर्गूमेंट इज एक्सेसिबल फॉर रिसिप्ट एंड दिस इज डिक्लाइंड और कैन नॉट बी ऑप्टेन बाई नॉन पेमेंट वेन द बिल इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड पेमेंट इज रिफ्यूज और कैन नॉट बी ऑप्टेन। मतलब नॉर्मल एक आदमी ने क्या करा, बैंक में जा करके दिया पैसा, बैंक ने यह चेक को एक्सेप्ट नहीं करा, क्यों नहीं एक्सेप्ट करा, वो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, वो आएगा डिसऑनर हो जाएगा बाई नॉन एक्सेप्टेंस, और कहाँ पे आएगा डिसऑनर बाई नॉन एक्सेप्टेंस आएगा आपका अंडर सेक्शन 91। ठीक है, स्टिल अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आए तो बिल्कुल फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी और मैं आपकी सारी क्वेरी दूर कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, डिसऑनर बाई नॉन पेमेंट। ठीक है, डिसऑनर बाई नॉन पेमेंट का क्या मतलब होता है भाई, देखो पहले कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे पर्सन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है चेक को। ठीक है, दूसरा क्या है, चेक को एक्सेप्ट तो कर दिया पर उसका पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक, अब कंडीशन क्या हो सकती है, देखो एन इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर बाई नॉन पेमेंट वेन द पार्टी मेनली आंसरेबल, एग्जाम्पल एक्सेप्टेबल ऑफ द बिल एंड द मेकर ऑफ नॉट और द ड्रॉई ऑफ द चेक मेक डिफॉल्ट इन सम। सिंपल सा फंडा क्या है, नॉन पेमेंट का एक मेजर रीजन क्या होता है कि भाई मान लो ए ने चेक जारी करा बी को, ठीक है, बैंक को, ठीक, ए ने चेक दिया बी बैंक लेकर के गया, बट जब बैंक लेकर के गया तो ए के अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं था, तो बैंक क्या करेगा, नॉन पेमेंट करेगा ना, क्योंकि भाई बैंक में पैसा ही नहीं तो कहाँ से देगा। तो इस केस में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिसऑनर बाई नॉन पेमेंट अंडर वेयर, अंडर सेक्शन 92। ओके, ठीक, अब ध्यान दो, इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश डिफरेंस बिटवीन डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस एंड डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट में क्या क्या है। पहले केस में क्या है, बैंक एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है चेक, दूसरे केस में बैंक ने चेक तो एक्सेप्ट कर ली है बट पेमेंट नहीं कर रही है, क्यों, या तो मान लो बैंक के पास उस अकाउंट में वहाँ पर पैसा नहीं है, या तो जिस बंदे ने चेक जारी करा है उसमें अकाउंट में पैसा नहीं है, या तो कोई पर्टिकुलर कंडीशन थी, चेक उस बैंक को लग रहा है कि फर्जी है, या लग रहा है कि चेक गलत पर्सन के नाम पे है, तो इस केस में वो नॉन पेमेंट एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, तो डिसऑनर कर देगी उस चीज़ को। ठीक, अब देखो क्या होगा, लीगल एक्शन इफ चेक डिसऑनर्ड, भाई चेक जो थी डिसऑनर हो गई है, चेक का पेमेंट नहीं करा गया तो लीगल एक्शन करना पड़ेगा ना। भाई मान लो राम ने श्याम को चेक दे दी है कि ठीक है आप लीजिए और आप चेक लगाइए, बट बैंक ने क्या बोला, बैंक ने बोला कि ना भाई नहीं देंगे आपको, ठीक, हम चेक आपको नहीं दे सकते, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, इस कंडीशन में कुछ तो लीगल एक्शन लेने का अधिकारी होगा ना श्याम, कुछ तो लीगल काम करेगा ना श्याम, क्या लीगल एक्शन लेगा। ठीक, लीगल एक्शन कैसे लेगा, तो वो सब चीज़ें हमें कहाँ पता चलेंगी, वो सब हमें पता चलेंगी लीगल एक्शन इस चेक इज डिसऑनर्ड, अगर चेक को डिसऑनर कर दिया गया तो लीगल एक्शन क्या होगा। ठीक है, अच्छा, कि इज अ नेगोशिएबल टूल, ध्यान दो नेगोशिएबल टूल है, क्रॉस एंड अकाउंट पे चेक आर नॉट एक्सेसिबल बाई एनी इंडिविजुअल अदर देन द रिसिपियंट, जिस पर्सन के नाम पे चेक दी गई है उसी के अलावा किसी और को चेक देना अलाउड नहीं होता। ठीक है, द चेक हैव टू बी प्लेस इनटू द रिसिपियंट्स बैंक अकाउंट, अगर मान लो क्रॉस चेक या अकाउंट पे ही चेक हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ
जिस पर्सन के नाम पे उसके अकाउंट में ही जाएगा, उसको कैश, उस पर्सन को कैश भी नहीं दिया जा सकता, ठीक है। लॉफुली द राइटर ऑफ द चेक इज कॉल्ड ड्रॉअर, ठीक है। जो चेक का राइटर होता है, जिस पर्सन ने चेक लिखा उसको क्या बोलते हैं, उसको ड्रॉअर बोलते हैं। एंड द इंडिविजुअल इन हूज सर्विस द चेक इज ड्रॉन इज कॉल्ड पेई, ठीक है। जिस पर्सन के नाम पे चेक दिया जाता है उसको कहा जाता है पेई, ठीक है। एंड द बैंक हु इज फोकस्ड टू कंपनसेट द अमाउंट इज रिकॉग्नाइज एट ड्राई, ड्राई क्या होता है, बैंक बन जाता है जो कि अमाउंट पे करेगा किसको, पेई को। किस चीज़ के लिए, जो चेक ड्रॉअर ने चेक दिया है उसको पेई को पे करेगा, ठीक। ये काम इसका, ये काम बन जाएगा आपके बैंक का, ठीक। However, if the check is, however, in the case of check, spring back are common this time, ठीक है। अगर किसी कंडीशन में चेक डिसऑनर कर दिया गया है तो उसमें क्या होगा, कंडीशन क्या होंगी, उसकी पनिशमेंट क्या होंगी, वो हम आगे यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। फोकस किया हुआ, ओके। एज प्रेजेंटली अदर चेक इज वायलेटेड द ड्रॉअर बैंक स्ट्रेट क्वेरी अ चेक रिटर्न मेमो, ठीक है। तो ड्रॉअर बैंक जो होता है वो क्या करेगा, एक चेक रिटर्न मेमो लगा करके टू द बैंकर ऑफ द पेई अपहोल्डिंग द पर्पज फॉर नॉन पेमेंट। जो पेई होगा आपका, जो बैंक को नॉन पेमेंट के लिए अपहोल्ड कर रहा होगा, वो सीधे सीधे मेमो बना करके दे देगा पेई को, ठीक है, कि आप देखिए क्यों हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द पेई बैंकर देन गिव अ वॉयलेटेड चेक एंड द मेमो टू द पेई, जो पेई है उसको वॉयलेटेड चेक और चेक का जो मेमो था नॉन पेमेंट का वो भी दे देगा। द होल्डर ऑफ पेई कैन रिसबमिट द चेक इन थ्री मंथ, या एक ऑप्शन क्या है, तीन महीने में दोबारा जमा करने का, इन फेथ दैट इट विल बी डिलाइटेड सेकेंड टाइम, यानी कि उसको अगर लग रहा है कि सेकेंड टाइम में ये काम सही हो जाएगा, सेकेंड टाइम में पेमेंट हो जाएगा, तो वो कर सकता है। अगर तब भी लगता है कि चेक का काम नहीं होगा, तब वो क्या कर सकता है, तब वो लॉफुली लीगल एक्शन लेने के लिए फ्री है, ठीक। जो यहाँ पे हम बात करेंगे लॉफुल एक्शन क्या होंगे, ठीक है। एज पर सेक्शन 138 द एक्ट दैट डिस्केस ऑफ चेक इज एन इलीगल क्राइम, ठीक है। ये क्या है, एक इलीगल क्राइम है एंड इज डिसिप्लिनरी बाई कस्टडी अप टू 2 ईयर और विथ फाइनेंशियल फॉरफिट और विथ बोथ। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो उसको 2 साल की जेल होगी या फिर फाइनेंशियल फाइन लगाया जाएगा उस पर्सन पे, ठीक है, या फिर दोनों ही हो सकती हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ पेई चूज टू कंटिन्यू लॉफुली देन द ड्रॉअर शुड बी गिवन अ चांस टू रिकम्पेंसिंग द चेक सम डायरेक्टली सच एज द चांस मस्ट बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ नोटिस इन राइटिंग। मतलब क्या है भाई, राम ने श्याम के नाम पे चेक दी थी, चेक जो हो गई डिसोन हो गई, चेक हो गई डिसोन। अब क्या है, श्याम अगर चाहे तो राम से बात करके वो पैसा चेक नहीं कैश फॉर्म में ले सकता है, ठीक है। इट इज पॉसिबल, ठीक। अब सेम वही चीज़ दी गई कि चेक रिटर्न मेमो को अगर 50, अगर तब भी नहीं होता तो चेक रिटर्न मेमो जो दिया है, मेमोयर दिया गया है उसके साथ आफ्टर 15 डेज क्या कर सकता है, 15 डेज रिसीव करने के बाद एक लीगल एक्ट फाइल कर सकता है, लीगल केस फाइल कर सकता है, ठीक है। जो बंदा, जिस बंदे के नाम चेक था, वो चाहे तो एक लीगल एक्ट फाइल कर सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब इसमें क्या है, जब भाई लीगल एक्ट फाइल करेगा तब उसको, तब जो है बैंक को भी नोटिस जाएगी आपके कि भाई आपने ऐसा क्यों करा, तब उसके बाद आपके जिस पर्सन ने चेक जारी करा था उसको भी नोटिस जाएगी क्यों करा। तो भाई बैंक या तो बता देगी कि हमने चेक जारी क्यों नहीं करा, क्योंकि जो ड्रॉअर्स अकाउंट था, जिस पर्सन ने आपके चेक काटी थी उस पर्सन के अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो हम कहाँ से देते, बैंक मान लो, ये रीज़न बता दे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर नहीं, अगर ये होता है रीज़न कि भाई मान लो उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, तो वो पूछा जाएगा कि आपके पास पैसा नहीं था तो आपने क्यों चेक दिया। अगर तब भी नहीं होता तो फिर पनिशेबल ऑफेंस लगाया जाएगा किसके ऊपर, जिस पर्सन ने चेक काटी थी उसके ऊपर पनिशेबल ऑफेंस लगाया जाएगा किसके अंडर, अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। 138 सेक्शन के अकॉर्डिंग उस पर पनिशमेंट लगाया जाएगा, ठीक। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ जाता है, अब आ जाता है पेनल्टी एंड फॉरफिट, पेनल्टी एंड फॉरफिट, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर भाई जिस पर्सन के नाम चेक दिया गया था उसने केस फाइल कर दिया है, अब लगेगी पेनल्टी। अब क्या लगेगा, अब पेनल्टी लगेगी और पनिशमेंट होगी, ठीक। इन केस मान लो पेनल्टी लगी तब क्या होगा, या फॉरफिट करेगा, वो चेक को कैंसिल ही कर दे, या चेक को डिसोन कर दे और कहे कि मैंने ऐसा नहीं दिया, या कोई भी अदर रीज़न दे, ठीक।
तब क्या होगा, ऑन गेटिंग कंप्लेंट अलॉन्ग विद द अफर्मेशन एंड रिलेवेंट पेपर ट्रैक द कोर्ट विल मैटर ऑर्डर एंड गेट द सब्सटेंस। कोर्ट मतलब पूरा सब्सटेंस ध्यान निकालेगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब निकालेगा कोर्ट, ठीक है। इफ फाउंड मोटिफाइड द डेटर कैन बी डिसिप्लिन विथ फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज। जिस पर्सन ने चेक जारी करा था उस पर फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज लगाए जा सकते हैं, ठीक है, उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, ओके। द बैंक ऑल्सो हैज द करेक्ट टू स्टॉप द चेक बुक एबिलिटी एंड क्लोज द एक्सप्लेनेशन फॉर द रेप्लिकेशन क्राइम ऑफ बाउंस चेक। मतलब अगर बार बार चेक जो बाउंस ही हो रही है उस पर्सन की, तो बैंक क्या कर सकता है, एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि बार बार भाई बाउंस क्यों हो रही है, या फिर उस पर्सन को चेक कैंसिल कर सकता है, ठीक। इफ द ड्रॉअर मेक द सम ऑफ द चेक क्वांटिटी विद इन अ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द साइन द ड्रॉअर डज नॉट ऑब्लिगेट एनी क्राइम। मतलब अगर 15 दिन के अंदर उसने पेमेंट कर दिया बंदे ने जिसने चेक जारी करा था, तो उस पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं लगेगा, ठीक है। दिस पे द पे मे कंटिन्यू टू फाइल अ ग्रीवेंस इन द कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिक्शनल जज विथ इन अ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ फिनिश ऑफ 15 days एग्रीड इन द साइन। मतलब भाई अगर हमने साइन में एग्रीड करा था, रिटर्न में एग्रीड करा था कि हम 15 दिन में पेमेंट कर देंगे और तब भी नहीं करा, तो क्या है, जो पार्टी एग्राइव्ड है वो क्या कर सकती है, वो जा करके कोर्ट में केस कर सकती है, क्या कर सकती है, कोर्ट में केस कर सकती है, और उसके बाद सुनवाई होगी, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है हुंडीज, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा व्हाट आर हुंडीज, ठीक है। ये हुंडीज आखिर बला क्या है भाई, नाम सुनने में ही अजीब सा लग रहा है, हुंडी ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलो ध्यान देते हैं, ठीक। देखो, व्हाट आर हुंडीज, एन ओल्डेस्ट ट्रेडिशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन पिक्यूलियर इन इंडिया। हुंडीज आर नॉन आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटन इन वेरियस वर्नैक्युलर लोकल लैंग्वेज इन द कंट्री, ठीक है। द टर्म इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड हुंडी विच मीन्स टू कलेक्ट, ओके। दीज आर जनरली इन द फॉर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बट मे समटाइम लुक लाइक प्रोमिसरी नोट इन द शेप एंड कंटेंट। देखो, सिंपल अगर आसान शब्दों में समझें तो हुंडी क्या है कि एक पर्टिकुलर रीजन वाइज पुरानी सभ्यता से लिया गया है ये चीज़, कि पुरानी जगह पे कुछ जगह पे लोग नोट्स की जगह हुंडीज का यूज़ करते थे एज अ नोट की जगह, ठीक। तो अब क्या होता था, हुंडी शब्द कहाँ से आया, हुंडी शब्द आया है आपके वर्ड संस्कृत से, जिसका मीनिंग क्या, जिसका मीनिंग है टू कलेक्ट, ठीक। अब क्या होता है, जनरली ये जो दिखते हैं आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह दिखते हैं, बट कभी कभी ज़्यादातर ये जो है प्रॉमिसरी नोट्स की तरह दिखते हैं। कैसे, इन द शेप एंड कंटेंट, जो इनका शेप और कंटेंट होता है वो कैसा होता है, वो होता है प्रॉमिसरी, एज अ प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, इन अदर वर्ड हुंडीज दो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर नॉट नेसेसरीली अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज डिफाइंड इन द एक्ट एज पर सेक्शन हुंडीज, ओके। आर पॉपुलर, हुंडीज आर पॉपुलर अमंग इंडियन मर्चेंट्स। देखो होता, देखो हुंडीज जो है अभी तो उतना यूज नहीं हो रहा, पर पहले होता था, ठीक। तो इसमें होता क्या था कि अलग अलग जो लोग होते थे, जो अलग अलग बिजनेसमैन होने थे, बनिया होने थे, वो क्या करते थे, इसको हुंडीज को एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, एज अ नोट्स ही इसको ट्रीट करते थे, ठीक। अब क्या होता था, हुंडीज को अगर ये हो रहा था तो हुंडीज को रेगुलेट करा गया, कैसे, अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में इसको रेगुलेट कर दिया गया। अनलेस देयर इज अ लोकल यूजर इन द कंट्री, मतलब जो लोकल यूजर है, इसके अलावा ज़्यादा हुंडीज का ज़्यादातर यूजर जो है वो लोकल लेवल पे ही होता है, बहुत ज़्यादा इसका यूजेस नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्ररी टू द एक्ट, इफ द कस्टम्स और यूजर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया पार्ट ऑफ द कंट्री अलाउज इंटरेस्ट ऑन हुंडीज ड्रॉन एंड पेबल फॉर एज मैनी एज डेज आफ्टर साइट, इट वुड बी रिकॉग्नाइज एज लॉफुल। देखो, मतलब कुछ तरह की हुंडीज जो होती हैं, जो सिर्फ दिखाई दी जाती हैं, दिखाया जाता है और उसके बाद बोला जाता है कि इसका पेमेंट 15 दिन बाद करा जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह की हुंडीज का यूज हो रहा है तो ये भी लीगली वैलिड है, वो 15 दिन उनका क्रेडिट पीरियड एज अ काउंट कर लिया जाता है, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हुंडीज, ताकि इसके बाद ये चीज़ आपको आसानी से क्लियर हो जाए, ओके। चलो आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ हुंडीज में पहली हुंडीज क्या होती है, दर्शनी हुंडी। देखो, दर्शनी हुंडी क्या होती है, हुंडी पेबल एट द साइड इज कॉल्ड दर्शनी हुंडी।
मतलब ये हुंडी जो है दिखाने के टाइम पे ही पेमेंट करा जाएगा, ठीक। इट इज़ नेगोशिएबल एंड इज लाइक अ डिमांड बिल, ठीक है। ये नेगोशिएबल होती है और एज अ डिमांड बिल इसको ट्रीट करा जाता है, ठीक। इट मे बी सोल्ड एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। इसको हम जो बेचा जा सकता है उसको कैसे बेचा जा सकता है, प्रीमियम प्राइस पे बेचा जा सकता है और डिस्काउंट प्राइस पे भी इसको बेचा जा सकता है, ठीक है। अ दर्शनी हुंडी शुड बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विथ इन अ रीजनेबल टाइम ऑफ इट रिसीव बाय द होल्डर। एक रीजनेबल टाइम, देखो रीजनेबल टाइम अलग अलग लोगों के हिसाब से होता है। रीजनेबल टाइम मान लो मेरे लिए 5 दिन और तुम्हारे लिए 15 दिन हो सकता है, ठीक। तो विथ इन अ रीजनेबल टाइम इसको देना पड़ता है किसको, बाय थ्रू बाय होल्डर। इफ द ड्रायर सफर अ लॉस ड्यू टू द डिले प्रेजेंटेशन, होल्डर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जो ड्रॉअर है जिसके नाम पे हुंडी जारी करी गई है उसको अगर कुछ लॉस होता है तब क्या होगा, तब जो होल्डर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, पनिशमेंट के लिए, जितना लॉस हुआ है आपके ड्रॉअर को, ठीक है। अब देखते हैं अगली हुंडी का टाइप जो है वो है मैदी हुंडी, ठीक है। जो इसको मैदी हुंडी जो है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मुद्दत हुंडी। मुद्दत हुंडी इज वन ऑफ विच पेबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बिल, ठीक। देखो आपको एक फिल्म का एक एग्जांपल याद दिलाते हैं, जो ये होता है था मुद्दती, जो ये एक्चुअली वर्ड हिंदी में बोला जाता है वो बोला जाता है मुद्दती, ठीक है, मुद्दती। तो अगर याद होगा तो अपने अमिताभ बच्चन जी का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, मुद्दती लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है, ठीक है। तो उससे वही चीज़ है, मुद्दती का मतलब ये है कि एक टाइम पीरियड मिल जाता है जो पर्सन होता है। भाई मान लो मुद्दती हुंडी क्या होगा, मुद्दती ए पर्सन ने बी पर्सन के नाम पे मुद्दती हुंडी जारी करी, तो मुद्दती हुंडी का मतलब मान लो अगर टाइम पीरियड 15 डेज मान लिया, हमने एग्जांपल ले रहे हैं 15 डेज, तो इसको पेमेंट जो करा जाएगा इसका पेमेंट होगा 15 डेज बाद ही होगा, ठीक है। तो इसको ट्रीट करा जाता है एज अ टाइम बिल। कैसे ट्रीट करा जाता है, इसको ट्रीट करेंगे एज अ टाइम बिल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली टाइप की हुंडी देखते हैं। तो अगली टाइप की हुंडी जो है वो है शाहजोग हुंडी। दिस इज अ हुंडी मेड एंड मेड पेबल ओनली टू शाह अ रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ फाइनेंशियल वर्थ एंड सब्सटेंस इन द मार्केट। अरे भाई पुराने टाइम पे वो जो साहूकार लोग होते थे ना, ये उन लोगों को हुंडी जारी करी जाती थी, ये सिर्फ उन्हीं के लिए पेबल होती थी और वही लोग ज़्यादा यूटिलाइज करते थे, ठीक। सहजोग हुंडी, ठीक। इट मे बी मैदी और दार्शनी, ये दोनों टाइप की हो सकती है, या तो मुद्दती हुंडी भी हो सकती है, ओके, या दार्शनी हुंडी भी हो सकती है, या तो एट द टाइम इसको पेमेंट कर दिखाना पड़ सकता है या फिर टाइम पीरियड मिलेगा। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मेयर डिलीवरी बट इट इज़ नॉट पेबल टू बियरर। देखो इसका ट्रांसफर जो है, अगेन ध्यान दो, इसका जो ट्रांसफर है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फ्री में हो जाता, मतलब एक पर्सन जो है अपना हुंडी उठा कर दूसरे पर्सन को दे दे, बट अगर इसके पेमेंट के लिए जाएंगे तो जो पर्सन सिर्फ लेकर के आ रहा बियरर है उसको पेमेंट नहीं मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ये बियरर चेक की तरह ट्रीट नहीं करी जा सकती है, ठीक। अगला टाइप क्या है, नामजोग हुंडी, ठीक है। नामजोग हुंडी क्या होता है, इट इज़ द हुंडी पेबल टू द पार्टी नेम्ड इन द हुंडी और हिज ऑर्डर। यहाँ नामजोग हुंडी में जो है ये जारी करी जाती हैं विथ नेम, ठीक है, या ऑर्डर करा जाता है कि सिर्फ इसी पर्सन को इसका पेमेंट करा जाएगा। सच हुंडी इज़ द सिमिलर टू द बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू द ऑर्डर, ठीक है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू द ऑर्डर के लिए जैसी ही है, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ही मिलेगा, ओके, सबको नहीं मिल जाएगा, जिसका नाम है उसी को मिलेगा। अब अगली टाइप की क्या है, धनीजोग हुंडी। धनीजोग हुंडी क्या है, धनीजोग वर्नाकुलर वर्नाकुलर लैंग्वेज में इसका सिंपल मतलब होता है क्या, ओनर यानी मालिक। द धनजोग हुंडी इज वन विच इज मेड पेबल टू द ओनर और द होल्डर और द बियरर ओनर। ये एक टाइप से आपका बियरर चेक की तरह होता है, यानी कि जो पर्सन भी धनीजोग हुंडी लेकर के आ रहा है उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं उसमें नाम लिखा हो, ये एक तरह से बियरर इज ओनर मान लिया जाता है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक अ बियरर चेक, द होल्डर ऑफ इट बिकम्स होल्डर इन ड्यू कोर्स इफ ही टेक्स इट बोनाफाइड फॉर द वैल्यू, ठीक है।
तो मतलब कि जो वैल्यू के लिए इसको बोनोफाइड करा गया है, होल्डर अगर वो वैल्यू चाहे तो हुंडी को इनकैश करा सकता है। इनकैश का मतलब क्या है, जा करके हुंडी दे करके हुंडी के बदले पैसे ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर कोई डाउट अभी भी रह जाता है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे, ठीक है।